कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। आपने शादी कर ली? जी। कितने साल की लड़की से? 23। 27 साल की लड़की? नहीं, 23। तो शादी क्यों कर ली आपने? मुझे पसंद थी वो गुरुजी, इसीलिए। तो शादी के लायक तो हो जाते पहले भगवान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक लड़का है जिसका उम्र है 23 साल और उसने शादी किया 23 साल लड़की को, और इस हिंदू भाई ने अनिरुद्ध आचार्य को सवाल किया और हिंदू पंडित ने ऐसे जवाब दिया जो देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। क्या एक लड़का 19 साल में शादी कर सकते हैं 23 साल लड़की को? आइए जानते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक सर से भी जानेंगे क्या 19 साल में शादी कर सकते हैं या छोटे लड़का बड़ी लड़की को शादी कर सकते हैं कि नहीं। आइए ज्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। आपने शादी कर ली? जी। कितने साल की लड़की से? 23। 27 साल की लड़की? नहीं, 23। तो आपने शादी, अभी तो सरकार परमिशन दे नहीं रही है शादी करने की इस उम्र में, 18 साल के 19 साल के लड़कों को, तो शादी क्यों कर ली आपने? मुझे पसंद थी वो गुरुजी, इसीलिए। तो शादी के लायक तो हो जाते पहले भगवान, 21 साल के पहले तो कोई परमिशन नहीं है। तो आपको तो शादी कानून का तो प्यार, देश से तो प्यार हो कानून से, तो आपने बड़ी लड़की से शादी कर ली, फिर आप पहले समर्थ हो जाओ, कम से कम उम्र तो हो जाए। ऐसे कर लोगे जेल जाओगे। क्यों जी, जेल जाना पड़ता ना यदि नाबालिग शादी आप कर लेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। ये चीज पूछने आए महाराज जी कि आपके आपके समस्या क्या होना चाहिए? हमारी समस्या तो जैसा आप कह रहे हैं कि पहले पढ़ लिख जाए और कमाने लग जाए, शादी के लायक हो जाए, 21 साल का तो हो जाए कम से कम, फिर कर लेगा शादी। मैं रिंटा सरदार, मैं सत्रागंज से आया हुआ हूँ। मेरा क्वेश्चन है, अपना पेशा बतलाएं। मैं एक व्यवसायी हूँ। जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए यानी बालिक। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाजत लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिक घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाजत ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का दो सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना जरूरी? बेशक बालिग होना जरूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये जरूरी है कि माँ बाप की इजाजत लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब इस्लाम में माँ बाप की इजाजत फर्ज नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालदेन की इजाजत लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फर्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ, तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालदेन की इजाजत फर्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फर्ज नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालदेन उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियां बीवी राजी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है। इस्लाम में होता है क्या, नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर ना महरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदिन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह
चैप्टर नंबर 3 हदीस नंबर 4 में, ए नौजवानों, आप में से जिसके पास भी हैसियत है निकाह करने की, निकाह करो। मतलब निकाह जल्दी करना सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो कोई शादी नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, यानी शादी करना इस्लाम में फर्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स शादी करता है वो आधा दीन मुकम्मल करता है। सवाल जवाब के नशिस्त में एक भाई ने मुझसे पूछा था, जाकिर भाई उसका ये मतलब है कि अगर मैं दो शादी करूं तो पूरा दीन मुकम्मल हो जाएगा मेरा? अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने कहा कि शादी आधा दीन आपका मुकम्मल करती है? हमें पता है कि शादी करने से कई बीमारियां दूर होती है। आज के माशरे की बीमारी, मिसाल के तौर पे जिना, फॉर्निकेशन, फहाशी, प्रोमिस्किटी, होमोसेक्सुअलिटी, शादी करने से ये आदि बीमारी माशरे की दूर हो जाती है। अगर आप शादी करेंगे तभी आप शोहर या बीवी हो सकते, शादी करने के बाद ही आप वालिद या वालदा हो सकते, जो अहम जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर आप शादी करते, चाहे एक करो या दो करो, आपका आधा दिन मुकम्मल होता है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, कहते हैं कि निकाह एक मिसाक है, एक सीक्रेट कोवेनेंट है, एक पाक अहदनामा है। और अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने अपने निशानियों में से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बनाई है ताकि आप उनके साथ सुकून से रह सको, और आप दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत डाला है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में, कि औरतों को जबरदस्ती इख्तियार मत करो। मतलब शादी के लिए, निकाह होने के लिए दोनों की इजाजत जरूरी है, मर्द की भी औरत की भी, दुल्हा और दुल्हन दोनों की इजाजत जरूरी है निकाह होने के लिए। और एक हदीस में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत जिसका नाम था खनसा खादिम अंसारिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक आदमी से की जिसे मैं पसंद नहीं करती, और अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फस्क किया, ही नलिफाइड द मैरिज। इसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी है। इसीलिए इस्लाम में निकाह होने के लिए, शादी होने के लिए दोनों की रजामंदी जरूरी है, आदमी की भी औरत की भी। और इस्लाम में औरत एक मालिक से नहीं शादी करती ताकि उसे गुलाम जैसा बर्ताव किया जाए, इस्लाम में औरत अपने बराबर से शादी करती है और उसके साथ उसके शोहर को इज्जत से पेश आना चाहिए। और इस्लाम में हम औरतों को हाउसवाइफ नहीं कहते, इंग्लिश में कहते हाउसवाइफ, शी इज नॉट मैरिड टू द हाउस टू बी कॉल्ड हाउसवाइफ। इस्लाम में औरत घर से शादी नहीं करती कि उसे कहा जाता है हाउसवाइफ, घर की बीवी। इन इस्लाम वी प्रिफर कॉलिंग अर होम मेकर, वो घर को बनाती है, वो घर की जीनत है। सही लफ्ज है होम मेकर, नॉट हाउसवाइफ। और इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में, कि औरतों के हुकूक वैसे ही है जैसे मर्द के है, लेकिन मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। ये आयत के 3-4 अल्फाज को अक्सर लोग गलत लेते हैं और कहते कुरान में लिखा है कि आदमी का दर्जा ऊंचा है, और कहते अर्रिजालु कवामुन अला निसा, अल्लाह कहता है कि आदमी औरत से ऊंचा है, ऊपर है। ये जो आयत वो कोट कर रहे हैं वो है कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, जहां अल्लाह ताला फरमाते अर रिजालु कवामुन अला निसा, यानी आदमी औरत का कवाम है। कवाम आता है लफ्ज इकामा से,
जब सलाह पढ़ने के पहले इकामा होता है, मतलब स्टैंड अप फॉर, खड़े होना। उसी तरीके से कवाम के मानी अगर आप तफसीर तबरी पढ़ेंगे, उसमें कवाम की मानी मर्द के लिए एक डिग्री एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डिग्री ज्यादा जिम्मेदारी है। उसका मतलब ये नहीं कि एक डिग्री वो ऊंचा क्या दादागिरी करे, ही हैज गॉट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिग्री ज्यादा जिम्मेदारी है। और कुरान में आगे अल्लाह ताला फरमाते क्योंकि अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकत दी, उसके वजह भी फरमाते अल्लाह ताला। लोग इस आयत का गलत मतलब लेते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द औरत से ऊंचा है,